अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन परमानंदं सद्गुरुं ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरु मूर्ति पूजा मूलं गुरु पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज हम गीता के अध्याय 11 का 48वां श्लोक ले रहे हैं। इसमें भगवान अर्जुन को बताते हैं कि अर्जुन, मैं संसार की किसी भी साधना से प्राप्त नहीं होता हूँ, न मैं वेद पढ़ने से, न यज्ञ से, न दान से, न किसी से, न वेद यज्ञाध्ययन नैर दान रन चै क्रिया तपो विरुग्रह एवं रूप शक्य अहम न लोके द्रष्टुं तदन्येन कुरु प्रवीरः। न वेद यज्ञाध्यने न दाने न च क्रियावि न तपो वियुग्रहे एवं रूपः शक्य अहम् न लोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीरः। कुरु प्रवीर यानी कुरु वंश के वीर अर्जुन, सबसे बड़े वीर अर्जुन, न लोके मनुष्य लोक में एव रूपम इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं, अहम यानी मैं, न यानी नहीं, वेद यज्ञाधने वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न यानी नहीं, दाने यानी दान से, न यानी नहीं, क्रिया भी यानी क्रियाओं से, च यानी और उग्र यानी उग्र तपो भी यानी तप से, त्वदन्य यानी तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा, दृष्टुं यानी देखा जा, शक्य यानी सकता हूं, हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं ना तो वेद से, न वेद के अध्ययन से, न यज्ञ से, न अन्य पुस्तकों के अध्ययन से, न दान से, न अन्य क्रियाओं से, और न ही उग्र तपों से, तेज तपों से, तेरे अतिरिक्त किसी और द्वारा देखा नहीं जा सकता। ये इसका शाब्दिक अर्थ था। सतगुरु सच्चिदानंद परमात्मा जो अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों के एकमात्र नायक हैं और अनंत कोटि आकाश गंगाओं में जिनका खुद का विस्तार है, आकाश गंगाएं जिनके शरीर में है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अपने प्रिय भक्तों के उद्धार के लिए कृष्ण के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को यह गीता का ज्ञान अमृत इसलिए दिया कि सदियों तक युगों तक इस गीता को ठीक से जानकर व्यक्ति जन्म और मरण से मुक्त हो सके, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सके। आत्मज्ञान के बिना न कोई मुक्त हुआ है, न कोई हो सकता है, न कोई हो सकेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। आपको प्रमाण चाहिए तो आप भागवत में पढ़ के देख लो, आप गीता में देख लो, आप
वाल्मीकि रामायण में देख लो, आप तुलसी रामायण में देख लो, आप पुराणों में देख लो, आप अन्य शतपथ ब्राह्मण में देख लो, आप समस्त आध्यात्मिक साहित्य में देख लो, हर जगह बार बार भगवान ने संदेश दिया है कि शरीर की क्रियाओं से, यज्ञ से, तप से, दान से, ध्यान से, इनसे मैं इन, ये जो तुम्हारा कंसंट्रेशन वाला ध्यान है, इनकी बात करो, यज्ञ से, तप से, दान से, कर्मकांड से मैं मिलता नहीं, मेरे को जाना नहीं जा सकता, मेरे में प्रवेश नहीं किया जा सकता, इसका एक कारण है। जितने भी यज्ञ, तप और दान इत्यादि होते हैं, ये सब इंद्रियां और शरीर द्वारा संपादित होते हैं। चूंकि परमात्मा भौतिक और स्थूल शरीर से, पदार्थ से अलग है, इसलिए पदार्थ से अपदार्थ को नहीं पाया जा सकता। जो पदार्थ है उससे, जो पदार्थ से परे अपदार्थ है उसको नहीं पाया जा सकता। इसलिए जो लोग अज्ञानी हैं और अज्ञानी होने के बाद भी गुरु बन जाते हैं, वो तो खुद भरमाते हैं और अपने शिष्यों को भी भरमाते हैं। इसलिए तो कबीर साहब ने कहा है कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खड़ा निरंक, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप परंत। जो जिसका गुरु अंधा है उसका शिष्य भी अंधा है, और अंधा अंधे को धक्का दे देता है और दोनों एक साथ कुएं में गिर जाते हैं। गुरु भी मर जाता है, संसार के चक्र में फंस जाता है, और शिष्य भी संसार के चक्र में फंस जाता है। इसलिए कभी भी किसी अंधे को गुरु नहीं बनाना। जिसको आत्मज्ञान नहीं, जिसको परम ज्ञान नहीं, जिसको संबोधि नहीं, जिसकी घटना घटित नहीं हुई हो, जिसके अंदर वह गुरुता न आई हो, जिस गुरुता के द्वारा दूसरे व्यक्ति में स्फुरिंग किया जाता है, इसमें दूसरे व्यक्ति में स्थानांतरण किया जाता है ज्ञान का, जैसे दीपक की ज्योति एक दीपक से उछलकर दूसरे की लौ में जाके दूसरे दीपक को जला देती है, ऐसे सद्गुरु भी अपने ज्ञान को अपने शिष्य में स्थानांतरित कर देता है। ऐसे ही बिना इसके ये ज्ञान होता नहीं। गुरु बिन होए कि ज्ञान, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। रामचरितमानस में लिखा है, जो विरंच शंकर संग होई बिन गुरु भवनिधि तरे के कोई, रामचरितमानस में लिखा है। जिसने आत्मज्ञान नहीं पाया वो पापी है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। जिसमें आत्मज्ञान नहीं है उसने जीवन खो दिया, कठोपनिषद में लिखा है। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, इस लोक में इस प्रकार का जो मेरा विश्व रूप है, यानी आत्मज्ञान वाला रूप है, सब जगह मैं समाया हूँ, ऐसी कोई जगह नहीं है खाली जहाँ मैं न हूँ, ऐसा कोई जानने वाला, ऐसा कोई देखने वाला व्यक्ति इस चीज को, इस तत्व को, ना तो वो वेदों को पढ़ने से जान सकता है, क्योंकि वेदों को पढ़ना बुद्धि और आंख के द्वारा होता है और मैं बुद्धि और आंख से परे हूँ। पुस्तकों का पढ़ना बुद्धि और आंख से होता है और मैं बुद्धि और आंख से परे हूँ। इसलिए सच्चे सदगुरु कभी किसी को ये नहीं कहते कि तू फलानी पुस्तक पढ़ ले और फलाना वेद पढ़ ले, और न मैं यज्ञ से प्राप्त होता हूँ कि तुम्हारा जितना भी यज्ञ है वो यज्ञ तुम्हारे शरीर और मन बुद्धि से संपादित होता है, मंत्र का संबंध मन से है और हाथ से यज्ञ में आहुति दी जाती है, मन और मंत्र दोनों का तालमेल है, मन अगर एक छोर है तो मंत्र दूसरा छोर है, इसलिए न मैं यज्ञ से न मंत्र से प्राप्त होता हूँ, नहीं प्राप्त होता इसे। भगवान यहाँ खंडन कर रहे हैं आपके अज्ञान का। आप जिन क्रियाओं में जीवन को बर्बाद कर देते हैं, आपके जीवन को भगवान बचाना चाहते हैं, आपके समय को बचाना चाहते हैं, आपकी गति में त्वरता लाना चाहते हैं, आपकी गति में तेजी लाना चाहते हैं, और परमात्मा के चाहते हैं कि आप उनको जल्दी से जल्दी जानो, इन चक्रों में फंसे हो इससे निकल जाओ। भगवान यज्ञ से प्राप्त नहीं होते हैं, और इस प्रकार से यज्ञ करने से, अभी जो समय देश और काल परिस्थिति है, इसमें यज्ञ करने से सिर्फ द्रव्य का नुकसान हो रहा है, इस पैसे से, इस धन से, इस समय से,
इस पदार्थ से आप अगर दूसरे मनुष्यों की सेवा करें तो ज्यादा ठीक रहेगा। भगवान कहते हैं मैं किसी प्रकार के अध्ययन से प्राप्त नहीं होता हूं, क्योंकि अध्ययन बुद्धि का और मन का विषय है। आप कोई पढ़ाई लिखाई करते हैं, कितने भी वेद शास्त्र पुराण उपनिषद आप पढ़ लें, लेकिन इनको पढ़ने के बाद भी सिर्फ आपकी बुद्धि की फ्लॉपी, आपकी बुद्धि की जो हार्ड डिस्क है वो इनकी सूचनाओं से भर जाएगी, आप परमात्मा तक नहीं जा सकते, आपकी परमात्मा तक यात्रा नहीं हो सकती है। भगवान कहते हैं मैं दान से प्राप्त नहीं होता हूं, क्योंकि दान पदार्थ है, पैसा धन कपड़ा जमीन जायदाद ये सब दान दिया जाता है, ये पदार्थ है और लेने वाला भी अज्ञानी है और देने वाला भी अज्ञानी है। अज्ञानी अज्ञानी को देता है, अज्ञानी अज्ञानी से लेता है, इससे कुछ भी होने वाला नहीं। अगर आपको दान करना है तो ध्यान के माध्यम से अपने जीवन को दान करो। अगर आपको दान करना है तो सदगुरु जो सच्चा ज्ञान इस विश्व में फैलाना चाहते हैं उनकी सेवा उनकी मदद में दान करो, इससे आपका दान सफल होगा और अन्य दान से कुछ मतलब नहीं है। और भगवान कहते हैं ना मैं क्रियाओं से प्राप्त होता हूं, आप चाहे कोई भी क्रिया कर लो, नेती धोती बस्ती भूचरी चचरी अगोचरी, कितना भी योग कर लो, कितना भी प्राणायाम कर लो, कितनी भी समाधि लगा लो, मैं उससे प्राप्त नहीं होता हूं। समाधि लगाने से इतना हो सकता है कि तुम्हारी श्वास रोक सकते हो, समाधि लगाने से इतना हो सकता है कि तुम एक स्थिरता एक शांति में चुपचाप बैठ सकते हो, लेकिन वो शांति वो स्थिरता वो चुपचाप बैठना वो टेम्पररी है, जब समाधि टूटेगी तो फिर तुम इस माया में आ जाओगे। इसलिए कबीर साहब ने इन समाधियों का खंडन किया, उन्होंने कहा आंख न मूंदूं कान न रूंदूं काया कष्ट न धारूं खुले नयन से प्रभु को निहारूं। इस तरह से साधु भाई सहज समाधि भली, ये सहज समाधि जो होती है ये ज्ञान की अवस्था होती है और ये ज्ञान की अवस्था सदगुरु के द्वारा कराए हुए ध्यान से ही प्राप्त हो सकती है। सदगुरु के द्वारा कराया हुआ ध्यान आपको लगता है क्रिया है, लेकिन वो क्रिया नहीं है, वो अक्रिया है, क्रिया होकर भी अक्रिया है, क्योंकि उसमें सिर्फ आप देखते हो कुछ करते नहीं हो। इसलिए पूरी की पूरी समूची गीता इस साक्षी ध्यान की ओर इशारा कर रही है, लेकिन लोग नहीं समझ रहे। भगवान कहते हैं ना मैं क्रिया से प्राप्त होता हूं, बहुत सारी क्रियाएं क्रियाओं में सारी क्रिया आ गई, अगर कि मैं क्रियाओं का वर्णन करते फिरूं तो पूरा दिन लग जाएगा। क्रियाओं में कई तरह की क्रियाएं, सात्विक क्रियाएं तामसिक क्रियाएं राजसिक क्रियाएं दक्षिण मार्ग की क्रियाएं वाम मार्ग की क्रियाएं मध्य मार्ग की क्रियाएं है ना, मानसिक क्रियाएं शारीरिक क्रियाएं चैतिक क्रियाएं बहुत सारी क्रियाएं प्राणायाम है ध्यान है धारणा है समाधि है बहुत सारी क्रियाएं। भगवान कहते हैं मैं इन क्रियाओं से प्राप्त नहीं होता हूं। भगवान कहते हैं ना उग्र तपो, ना मैं उग्र तप से प्राप्त होता हूं, चाहे कितना भी खड़े श्री आड़े से ही बाबा हो जाओ, एक पैर पर खड़े रहो, बगुला एक पैर पर खड़ा रहता है परमात्मा को प्राप्त नहीं होता है, चाहे तुम पानी में रहो, मछली जीवन भर पानी में रहती है कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं होती है, चाहे तुम फल ही खाते रहो, बंदर जीवन भर फल खाता है परमात्मा को प्राप्त नहीं होता है, चाहे तुम दूध पीते रहो, बछड़ा दूध पीता है घास खाता है परमात्मा को प्राप्त नहीं होता है। परमात्मा को प्राप्त होने के लिए सदगुरु के मार्गदर्शन में साधना, उसके मार्गदर्शन में जागरूकता, सदगुरु के मार्गदर्शन में अपने आप को जानने की ओर बढ़ना पड़ता है। हे अर्जुन, तेरे अतिरिक्त ये रूप किसी ने इसलिए नहीं देखा कि तुझे मेरे जैसा सदगुरु मिला है, और लोगों को सदगुरु नहीं मिले हैं, लोगों को गुरु मिले हैं लेकिन सदगुरु नहीं मिले हैं। गुरु तो कई तरह के होते हैं, सिलाई कढ़ाई सिखाने वाला भी गुरु होता है, किताब पढ़ाने वाला भी गुरु होता है, गाना सिखाने वाला भी गुरु होता है, और तो और जेब काटने सिखाने वाला भी गुरु होता है, लेकिन सदगुरु तो सिर्फ वो होता है जो आपको जन्म मरण से मुक्त करके और ब्रह्म ज्ञान में खड़ा कर दे। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी पूरी संपदा पूरे जीवन का कमाया हुआ ये किसी भी काम न आएगा, सतगुरु का एक क्षण आपके काम आएगा। एक प्राचीन बोध कथा है, एक बहुत धनवान मनुष्य, दुनिया का सबसे धनवान मनुष्य था, जैसे आज के जमाने में कृष्ण मूर्तियां हैं या लक्ष्मी मित्तल हैं या और लोग हैं। वो गलती से क्या हुआ कि मरुस्थल में कहीं सफाई करने गया था, लोग
शौक करते हैं, मरुस्थल में सफारी करने जाते हैं। गति में थोड़ा घूमने निकल गया, थोड़ा सा आगे चल गया और मरुस्थल में भटक गया। अब वहां पर उसने देखा कि चारों तरफ रेत ही रेत है। सुबह सुबह निकला था, दोपहर हो गई, बहुत भयंकर प्यास लगी, रेत ही रेत, कहीं पानी की तलाश करके आगे देखे तो रेत चमक रही, पानी उधर बढ़ता चला जाए। एकदम भ्रमित हो गया, न पूरब जाने, न पश्चिम जाने, न उत्तर जाने, दक्षिण जाने, न ये जान पाया कि किधर से मैं आया हूं, अब मैं किधर जाऊंगा, क्योंकि हवा चली तो उसके पैर के निशान भी मिट गए। अब तो उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि उसे ना तो ये पता कि किधर जाऊं, रेत भयंकर गर्म, ऊपर से गर्म, नीचे से गर्म, और बहुत जोर की प्यास लग रही। अब तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने भगवान को पुकारा, हे प्रभु दीनबंधु दयालु दीनों के नाथ, मैं अपने गुरु महाराज को यही कहता हूं, हे प्रभु दीनबंधु दयालु दीनों के नाथ। जब उसने अपने परमात्मा को पुकारा, किसी गुरु को उसने कुछ दान दिया होगा, किसी गुरु की सेवा की होगी, किसी गुरु की उसने कभी विपत्ति में मदद की होगी, उसके अच्छे इस शुभ कार्य से भगवान ने उसको एक देवदूत भेजा। वो देवदूत के हाथ में एक लोटा जल था। वो देवदूत एक मनुष्य के रूप में आया, उसको नहीं मालूम कि देवदूत है। उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को देखा, उसके हाथ में एक लोटे में पानी था। उसने कहा भैया मुझे पानी पिला दो। देवदूत ने कहा मैं पानी तो पिला दूंगा, पर इसके बदले में तू मुझे देगा क्या? उसने कहा इसके बदले में तुम जो चाहो वो ले लो, मेरे पास करोड़ों अरबों रुपए की दौलत है, वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। देवदूत ने कहा दे दोगे? कहा दे दूंगा। देवदूत ने कहा कि ये तो मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं तो इससे कोई मतलब नहीं रखता हूं, अब क्या देगा तू मुझे? बोला कि मैं अपना तन मन धन सब दे दूंगा, मुझे बचा लो मैं मर जाऊंगा, जो तुम कहोगे वो ही दे दूंगा। देवदूत ने उसे जल पिलाया। जल पिलाने के बाद उसका हाथ पकड़ा, उसको मरुस्थल के बाहर लाया और उससे कहा कि क्या क्या देता है। तो उसने कहा कि चलो मैं तुम्हारे, मेरे जितनी फैक्ट्री है सब तुम्हारी आज से, तुम इसके मालिक मैं नहीं। तो देवदूत ने कहा कि देख मुझे तेरे संसार के लोहा लंगड़ जमीन जायदाद मिट्टी धूल इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने तुझे इसलिए बचाया कि तूने किसी सदगुरु की सेवा की थी, अगर तुझे मुझे कुछ देना है तो जाओ उसी सदगुरु की शरण में जा और ध्यान करके आत्मज्ञान को प्राप्त कर, तेरी दौलत तेरे मौत के साथ में दो कौड़ी की हो जाएगी, किसी काम की नहीं है। उसकी आंखें खुल गईं, वो गया और उसने परमात्मा को प्राप्त किया। ये कथा, ये कहानी ये कहती है कि तुम्हारे दुनिया के जितने भी तुम कर रहे हो, कर करके मर जाओगे, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं। यदि तुमने किसी सदगुरु की शरण में आके ध्यान सीख लिया तो जीवन में तुम सब कुछ पा सकते हो, शांति आनंद परमात्मा का मार्ग और यहां तक कि जन्म और मरण से मुक्ति भी। इसलिए प्रिय मित्रों, यह श्लोक आपको बस यही शिक्षा देता है, आप अपने जीवन में परमात्मा की ओर बढ़ते जाएं, और परमात्मा की ओर बढ़ने में आप अकेले नहीं बढ़ोगे। ये जगत मरुस्थल है, आप इसमें खो जाओगे, मर जाओगे, खप जाओगे, हड्डियों तक का पता नहीं लगेगा। रेत उड़ेगी और आपको दबा देगी, आप इस रेत में सड़ के हड्डियों के पते नहीं लगेंगे। बड़े बड़े सम्राट, बड़े बड़े राजा महाराजा, जिनके पास करोड़ों अरबों की दौलत थी, जो निकलते थे तो लोग गर्दन झुका लेते थे, आंख उठा के उनको नहीं देखते थे, जो अपने गर्दन ऊंची करता था सैनिक उसकी गर्दन काट दिया करते थे, ऐसे जिनके जलवाए जलाल थे, ऐसे लोगों के आज हड्डे के पता नहीं है। लेकिन जिसने परमात्मा के मार्ग की ओर कदम रखा, ऐसे मीरा, ऐसे नानक, ऐसे दादू, ऐसे पलटू, ऐसे रविदास, ऐसे कबीर, ऐसे महापुरुष, ऐसे अखंडानंद, ऐसे ज्ञानानंद, ऐसे सच्चिदानंद, मेरे गुरुओं के भी गुरु जिनका नाम सच्चिदानंद था, एक मेरे गुरु महाराज के भी गुरु महाराज, ऐसे महापुरुष अमर हो गए। जनक सुखदेव अमर हो गए, शबरी अमर हो गई। तो परमात्मा की ओर जो जाता है वो अमरता की ओर जाता है, और माया की ओर जाता है तो माया इतनी एहसान फरामोश है कि माया का कोई
कितना भी भक्त हो, माया उसको कभी याद नहीं करती और माया कभी उसको जो है उसको लोगों को याद भी नहीं करने देती। मैं बचपन में अपने गांव में रहता था, वहां एक संत आता था, वो एक गीत गाता था, उसकी दो लाइन मुझे याद है। वो कहता था कि कोई दौलत का कैसे पुजारी बने, कोई दौलत का कैसे पुजारी बने, जिस पुजारन का कोई भरोसा नहीं, आज है जो यहाँ कल होगी वहाँ, आज है जो यहाँ कल होगी वहाँ, ऐसी दुल्हन का कोई भरोसा नहीं। इस माया के पुजारी मत बनो, ये माया हमेशा बदलती रहती है, ये माया नश्वर है, ये माया रूप बदलती है, लेकिन परमात्मा जो तुम्हारे अंदर तुम्हारे आत्मा के रूप में विराजा है, वो जैसा है वैसा था और वैसा ही रहेगा। उस स्थाई परम तत्व परम धाम में आप प्रवेश करो, यह संदेश ये गीता आपको देती है और यह श्लोक आपको देता है कि आप ये व्यर्थ की क्रियाओं में ना फंसकर और जो सच्चा ध्यान सदगुरु सिखाते हैं वो ध्यान करो। सदगुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय, शिव हरि।